हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि काफी ज्यादा आसान है। एक्चुअली ये देखा जाए तो 2018 में पूछा गया, तो इस तरह का क्वेश्चन भी करना ना भूले, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, तो अगर आप क्या करना होगा, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को अगर आता हो तो अपने कॉपी में राइट डाउन करके आप एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर बोर्ड पर देखो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा वीडियो पे, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और अगर बने रहिएगा तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाइएगा, ठीक है। एक बात मैं बता देता हूं कि एक छोटा सा मोटिवेशन मैं बता देता हूं, जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो ये जीत एक चीज को समझिएगा कि कभी भी अगर आप जीत का मिस उम्मीद रखते हो तो बहाना कभी मत बनाना, मिस बनाना, और एक्सक्यूज कभी नहीं देना कि हमें ऐसा करना है। चलो समझते हैं बात की बात। आप क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सीबीएसई 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि अभी तक मैं करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। सोल 1x+1 + 2x+2 = 7x+5, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसे सोल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इतना आसान है कि कहना नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे बड़ी बात हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते समय में किन किन बातों को ध्यान रखना उचित समझिएगा। पहला क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को एक बार वापस फिर से लिख लेना है, और 2x+2 = 7x+5। आप पहचानना है कि ये क्वेश्चन आखिर में कौन सी चैप्टर से पूछा गया। ये क्वेश्चंस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से है, सो सिंपल है। आप इसको क्या करना, अब हम और के साइन देंगे और 2 का एलसीएम लेंगे, बनेगा x+1 और दूसरा बनेगा x+2। क्या बनेगा, x+2। किन्हीं को दिक्कत है, नहीं है। अब क्या करेंगे, 7x+5 होगा। अब अगर देखो ध्यान से, अब एलसीएम लिए तो करेंगे क्या, ये से ये कैंसिल, यानी कि हमारा ये बचा और ऊपर में मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे किन्हीं बच्चों को, तो x+2 + अब ये से ये कैंसिल, यानी कि आपको ये बचा, तो ये क्या लिखेंगे, 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है x+1। किन्हीं को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x+2 और क्या कर सकते हो, ऐसे रहने दो, +2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2x+2 ये इस तरीके से आए, बाय x इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर एक्स में 2 से, यानी कि 2x, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 में x से यानी कि x, और 1 में 2 से यानी कि 2 = 7x+5। दिक्कत है, नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे, देखो आप सिंपल सा इसमें फायर लगाएंगे, यानी कि कर सकते हो ये और के साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन जब भी अगर फेस करते हो तो आपको ये देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अगर ये ना देते हो तो 0.5 मार्क्स आपको जो स्टेप बाय पे काट लेगा, ठीक है। तो समझते हैं, वो ऊपर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x+2 + 2x+2 / यहां देखो x² ये आ जाएगा +3x + क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा = 7x+5। सो सिंपल है, मजा आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो देखो यहां पर वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ, यानी कि ये कर सकते हो x और 2x, 3x, अब देखो यहां 2 और 2 4 आ जाएगा इस तरीके से, बाय x² + 3x + 2, अब यह आ जाएगा इस तरीके से x+5। सिंपल है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे कर लेते हैं, 3x+4 / x² + 3x+2 = 7x+5। सिंपल, देखो बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर कैसे करोगे, क्रॉस कर दो इसको इससे, यानी कि 3x+4 + x+5 = 7x² + 3x+2, इस तरीका के आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये और का साइन देना नहीं भूलना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करो x में 3x से, 3x² समझ में आया,
उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3x को 5 से 15x, आप देखो प्लस है तो प्लस, 4 में इससे तो 4x, 4 से 5 में 20 इक्वल टू 7 में 7x स्क्वायर प्लस 7 को 3 से 21x, और ये कह सकते हो 7 टू जा 40। दिक्कत है नहीं, इतना तक हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा, ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर वाला देखो टर्म को आगे करो सिंपल से, इसको 15 और ये 4 क्या कह सकते हो 19x, और कह सकते हो प्लस 20 इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 40। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, ये टर्म को देखो इधर लाएंगे, यानी कि सारा टर्म को, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, ये टर्म को अरेंज कर दी, इसको अब लिखेंगे प्लस 19x, ये टर्म को इधर लाओ माइनस 21x प्लस 20 माइनस 40 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं है। क्या करेंगे इसको, ध्यान देखना, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने पर, और देखो यहां पर ये 21 में से ये तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा ध्यान से देखना, तो अगर हम सिंपल सा 9 में से देखो, ध्यान से 21 में से अगर 9 जाता तो यहां पर देखो कितना बचेगा, यहां पर आपको बचने बचेगा कितना, तो सिंपल से देखो 90, ये हो जाएगा 20 और ये 21, यानी कि 2x बचेगा ना, तो यहां पर माइनस 2x, और यहां पर देखो 6 बचेगा, कितना बचेगा प्लस 6 इक्वल टू 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं है, यहां भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, अब आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको कॉमन ले लो, माइनस 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x, और यहां पर बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0, समझ में आया। अब देखो एक अगला स्टेप क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है, यहां पर से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू माइनस 2, 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बात आता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को बहुत मजा आएगा। अरे वीडियो पर तो बने रहो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा, 2x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या जानते हैं रूट मिडिल स्प्लिटिंग का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट के कर कुछ इस तरीका से लाएंगे ताकि मिडिल वाला टर्म हमें प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 यानी कि माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना, तो 6 का तोड़ो तो कैसे टूटोगे, 3x इंटू 2x माइनस में रखने दो, दिक्कत है नहीं, लेकिन ये साइन यहां ना रखकर ये साइन यहां रखेंगे, क्यों, यहां प्लस में, कभी ये साइन चेंज नहीं होता, तो 2x स्क्वायर तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बताइए किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, इस टर्म को तो ये रफ था, ये हमें समझ में आया, यहां देखो कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3 और एक बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से क्या बनेगा, एक बार हम इस टर्म के लिए 0 ले लेते, एक बार इस टर्म के लिए 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई 2, ठीक है, और यहां से हमें प्राप्त हो गया x इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा देखने को आंसर मिला वो क्या आया, देखने को हमारा आंसर मिला कि x बराबर माइनस 3 बाई 2 और 1 आया, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी बात आपको
ध्यान से कंसिस्टेंसी देकर आपको पढ़ाई को करना है। अगर आप करते हो तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे क्लास टेंथ में अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छे कर पाओगे, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।